इसमें अतुल श्रीवास्तव और हमारे चॉकलेटी हीरो विभोर शुक्ला, दो हीरो हैं अपने फिल्म में। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, फुल्ली हम इसे कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप बेस्ट स्टोरी है। इसमें कुछ एक फैमिली ड्रामा भी है, एक पिता और पुत्र के बहुत ही सुंदर इमोशनल सीन को फिल्माया गया है। और हमने इसे वाल्मीकि नगर के एक खूबसूरत लोकेशन और नेपाल में शूट किया है। सर आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने शब्दों में बताइए। नमस्कार, हर हर महादेव, विभोर शुक्ला। ये जब स्टोरी अर्जुन सर ने बताया राजवीर की, तो उस टाइम इसका टाइटल नहीं दिया गया था कि इस फिल्म का नाम राजवीर ही होगा। लेकिन स्टोरी के बाद आफ्टर डिस्कशन विथ ऑल टीम इसको नाम दिया गया है एक राजवीर, जिसमें मेरे साथ वो एक्ट कर रहे हैं अतुल श्रीवास्तव जी राज की भूमिका में, और मुझे वीर की भूमिका मिली। बहुत ही अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अर्जुन सर के साथ काम किया, बहुत ही अच्छा टीम भी मिला। और जो बेस्ट है कहानी का, ऑफकोर्स दोस्ती ही है, लेकिन दोस्ती का जो कहानी फिल्माने का तरीका है और जो स्टोरी है वो एक अलग हटके है। हर फिल्मों में आप देखेंगे दोस्ती में एक दोस्त दूसरे के लिए मार दिया, लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, फंडिंग किया, गर्लफ्रेंड पटाया दोस्त के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती एक्चुअली होता क्या है उस चीज़ को इस फिल्म में बताया गया है। बहुत ही अच्छे तरह से सर ने उसे फिल्माया भी है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्ती के बाद एक और हमारा बनता है बेस, वो फैमिली रिलेशनशिप, एक पारिवारिक रिलेशनशिप कैसी होती है, उसकी मार्मिकता क्या होता है, वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत दिखाया गया इस फिल्म में। और बाकी गीत संगीत की बात करें तो ज़्यादातर सूफियाने गाने हैं, इसे विनय बिहारी जी ने भी लिखा है, पवन शर्मा शिकारपुरी जी ने भी लिखा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हमारे अभी फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं अखिलेश सिंह भैया, क्या था चैनल, पब्लिश मीडिया, पब्लिश मीडिया के माध्यम से उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ। और यही बोलूँगा कि महादेव की कृपा आप पर भी ऐसे ही बनी रहे कि हमें आप आगे बढ़ाते रहें। फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान क्या अनुभव रहा है, कुछ शेयर करेंगे, कैसे शूटिंग के दौरान सेट पर ऐसा क्या होता था जो आपको बहुत ही अच्छा लगता था, कुछ शेयर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सर मुझे लगता है बेहतर बताएंगे, क्योंकि सेटअप के दौरान जितना भी वहाँ पे घटना घटा सारा मेरे आसपास ही घूमता रहा कि विभोर जी ऐसे हैं वैसे हैं, किसी को कैसे मोटिवेट करते हैं, किसी को कैसे टॉर्चर करते हैं। तो मेरा एक आदत है कि सबको प्यार से टॉर्चर भी करना, मोटिवेट भी करना, हंसाना, खिलाना, रुलाना, सब एक मेरा ये नेचर है। और उस चीज़ में हर कोई घुल मिल कर रहा। और लास्ट एट द लास्ट जब शूट ख़त्म हुई उसके बाद से एक हमारा ग्रुप बना हुआ था टीम राजवीर, इतना मतलब आफ्टर शूट ये फील होने लगा सबको कि हम अपने परिवार से दूर आ गए हैं। उस परिवार को फिर से वापस लाने के लिए उस ग्रुप का नाम हुआ फैमिली राजवीर, फैमिली राजवीर। और वो फैमिली राजवीर आज भी एक्टिव है, हर कोई इस पर एक्टिव रहता है। जी सर। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ऐसा टीम मुझे मिला, और बार बार मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ही टीम मुझे मिलता रहे। सर ये बहुत ही जॉली मूड इंसान है और सबको हंसाते खिलाते और प्यार से, मतलब पूरी टीम को अच्छे से इन्होंने मैनेज किया। और मैं लीड एक्टर भी है, और रियली इन्होंने कहा कि एक परिवार, फिल्म इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि परिवार है, ये परिवार फील हुआ। और आज भी वो लाइव है, आज भी वो एक्टिव है। और कौन कौन से कलाकार फिल्म से जुड़े हैं? इस फिल्म में विभोर शुक्ला जी के अपोजिट में सोनी शुक्ला जी हैं, अतुल श्रीवास्तव जी के अपोजिट में प्रिया शर्मा जी हैं। इसके अलावा इनके बड़े भाई के कैरेक्टर में आपको प्रभात रंजन जी मिलेंगे, जो राजू जी के कैरेक्टर में इनके अपोजिट में क्या है इनका नाम, हाँ प्रीति जी हैं। इसके अलावा बहुत सारे को आर्टिस्ट हैं, जैसे शशि जी हुए, रत्नेश त्रिपाठी जी हुए, गोलू तिवारी हुए, फिर आपको चुनू पांडे जी हुए, चुनू पांडे मुख्य विलेन, हाँ मुख्य विलेन है हमारे फिल्म के, श्री राम राय, सुमित सहगल, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो एक अभी भी सबको मिस करता है उस यूनिट में, मतलब उस टीम को हम लोग मिस करते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी, आप गाना भी गाते हैं, हमने सुना है, तो इस फिल्म में भी आपके गाने होंगे? हाँ, इस फिल्म में है जो विनय बिहारी जी और भीष्म पितामह हैं,
उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक गाना है और उसे संगीत दिया चंदन जी ने। नो डाउट संगीत बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। उस फिल्म में हालांकि ये गाना है, मैं अपना गाना नहीं सुना रहा हूँ, गोलू ने गाया है वो गाना, गोलू तिवारी, सूफियाना है। और सच में वो दिखाता है कि उस गाने में ही आपको सारा स्टोरी दिख जाएगा। ऐ खुदा जिंदगी क्यों बनाया है, उसने मिट्टी का दिल क्यों लगाया रे, तोड़ दिया है हमको, छोड़ दिया है हमको, उसने ही रुलाया रे। ऐ खुदा जिंदगी क्यों बनाया रे। ये दिखाता है उस टाइम जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बिछड़ता है और उन दोस्तों के बीच क्या रिलेशन ऐसा होता है कि भाई हर्ट है। जब वो सीन जब सीक्वेंस आता है तो सबके आंखों में आंसू आ जाती है, ट्विस्ट पॉइंट होता है। उस चीज़ को याद करके या अगर जूम करके देखे तो आंसू आपको दिखेंगे। और उस चीज़ को जब हम लोग फिल्मा रहे थे सर, वो थोड़ा पूरी पूरी पब्लिक वहाँ पे जो भी लेडीज थे, हमारे टेक्नीशियंस थे, सभी रो दिए थे उस सीन में। और औरतों से पूछा गया कि आप यहाँ से क्यों चली गई, तो उन्होंने कहा कि उनका एक ही आंसर था कि जब मर्द रो रहे हैं तो औरत का क्या हाल होगा, औरतें तो वैसे भी कमज़ोर होती हैं। सच में जब सीन करने के बाद जब हम देखे कि सर कहाँ है, कट क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो सर देखे कि ऐसे करके रो रहे हैं, इनके आंखों में भी आंसू, अरे भाई ये हो क्या रहा है। तो बाद में जब पब्लिक रोते रोते ताली बजाई, तब मुझे लगा कि हाँ जो मैंने एक्टिंग किया है, परफॉर्म किया है, वो सच में सबको लगा है। और सभी का एक ही स्टेटमेंट था कि जब भी लगेगी ये फिल्म थिएटर में हम लोग देखेंगे। देखिए अपना प्लानिंग तो जो भी हो, लेकिन जब तक हमें डेट नहीं मिलेगा सेंसर के बाद, क्या डेट वहाँ से मिलता है रिलीजिंग का, जितना जल्दी हो सके। प्लानिंग हमारा अप्रैल लास्ट तक है। और भी कोई प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं तो कुछ? अभी खेल किस्मत की हम लोग शूट करने वाले हैं, उसकी शूटिंग रांची में होगी, अभी कास्टिंग जारी है उसकी और प्री प्रोडक्शन का काम है, बाकी डिटेल तो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में हम लोग मिलते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं कहूँगा जनता जनार्दन से कि आप लोग जहाँ के भी हों, अगर भोजपुरी से प्यार है, लगाव है, भोजपुरी इंडस्ट्री से लगाव है, आपको अपने भाई से प्यार है, तो एक बार जब भी फिल्म लगे सिनेमा हॉल ज़रूर जाएं। आप ये इंतज़ार ना करें कि यूट्यूब पे कब आएगी, नेट पे कब आएगी, सिनेमा हॉल ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके सिनेमा हॉल जाने से ही हमारा TRP बढ़ेगा और हमें आगे करने का कुछ मौका मिलेगा। बाकी हर हर महादेव, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये सबसे अच्छी बात है। और नए कलाकार भी सामने आ रहे हैं, काफ़ी सारे कलाकार, जिसमें से एक हमारे सर भी हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने कुछ अच्छा करने के बारे में सोचा। और राजवीर फिल्म भी मैंने फुटेज देखा है इसका, काफ़ी अच्छा शूट किया इन लोगों ने। आगे हमारा काम एडिट करना है, साउंड डिज़ाइन करना है और इसको थिएटर्स तक, पब्लिक तक पहुँचाना है। इसमें जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो सके बहुत अच्छा करना है। अर्जुन जी काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन मैंने देखा, कल मैं फुटेज देख रहा था, टेकिंग शॉट डिवीजन जो भी है बहुत अच्छी तरीके से किया है। ये हमारे प्रियांशु भैया जो बॉलीवुड उमंग स्टूडियो के प्रोप्राइटर हैं और हमारे राजवीर की पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम यही देख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों को एडिट किया है, भोजपुरी के सारे स्टार्स का, किसी पहचान का मोहताज नहीं बॉलीवुड उमंग। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी राजवीर भी इनके शरण में आई है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है राजवीर अपने मुकाम तक पहुँचेगी। सर थैंक यू।